हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो अगले 6 महीने में ऐसा क्या करें, कौन से रूल्स फॉलो करें, डूज एंड डोंट्स क्या होने चाहिए आपके, ताकि आपका 99% जनवरी अटेम्प्ट में ही आप सिक्योर कर लो। जिसका जनवरी अटेम्प्ट में 99% आएगा, यकीन मानना उसके जे एडवांस्ड के क्वालिफाई करने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि वो टेंशन फ्री होके पढ़ेगा अगले 4-5 महीने। और मई में जब जे एडवांस्ड का एग्ज़ाम आएगा तो यकीन मानना वो किसी आईआईटी में पक्का लैंड करेगा। यही होता है जेई एडवांस टॉपर्स के साथ में, कि वो जेई मेन के फर्स्ट अटेम्प्ट को बहुत सीरियसली देते हैं और सेकंड अटेम्प्ट को वो ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं। वो सीधे सीधे जेई एडवांस की तैयारी कर रहे होते हैं, क्योंकि उनके लिए बाय द एंड ऑफ द डे जेई एडवांस्ड ही एक मेन उनका टारगेट होता है। जेई मेन इज जस्ट क्वालिफाइंग एग्जाम, एक क्वालिफाइंग एग्जाम है उनके लिए। तो यहां पर लोग अभी बात करने वाले हैं कि आप अपनी लाइफ में कौन से 9 रूल सेट करें, ताकि आप अगले 6 महीने में गारंटीड 99% लेकर आ जाएं, 99.9% लेकर आ जाएं। ये ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है, बहुत सिंपल है, इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस वाली चीजें नहीं बताऊंगा मैं आपको। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं, इसमें ध्यान से देखिए। सबसे पहले 9 रूल्स फॉर 99% इन 6 मंथ्स। तो मैं आपका जो टारगेट है बच्चों, वो जनवरी अटेम्प्ट ही होना चाहिए। जनवरी अटेम्प्ट के लिए ही आप तैयारी करें। आप याद रखिएगा, अप्रैल तो आपके लिए बफर है कि अगर जनवरी अटेम्प्ट में कोई तबीयत खराब हो गई, कोई लक फैक्टर फेवर नहीं किया, तो चलो यार अप्रैल अटेम्प्ट आपके पास एक बफर की तरह है, आप उसे देखे आप एडवांस्ड में अपेयर कर सकते हो। लेकिन आपका टारगेट ये होना चाहिए कि जनवरी अटेम्प्ट में ही 99.9% आप ले आए, या सीधे बोलूं तो आपके 220 प्लस मार्क्स आ जाएं। 220 प्लस मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं तो आप मान के चलिएगा कि आप सिक्योर है, आपका जेई मेन तो आपका क्वालिफाई बहुत अच्छे से हो गया, 99 प्लस तो आप पहुंच गए। अब ये 99.6 है या 99.7 है, इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं, चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम। सबसे पहली बात आपके दिमाग में क्या होना चाहिए बच्चों, ये 9 रूल, इन 9 रूल्स को अगर आप फॉलो करोगे, इन रूल्स को आप फॉलो कीजिए। रूल्स फॉर 6 मंथ्स, सिर्फ 6 महीने की बात है यार, सजा समझ के मत, ठीक है ना। पढ़ाई का आप मजा लीजिए, क्योंकि ये लाइफ भी आप लाइफ टाइम याद रखोगे। दीज आर द मोमेंट्स टू बी चेरिश्ड लाइफ टाइम थ्रू। तो यहां पर देखिएगा, जे मेन और एडवांस्ड मैंने इसलिए डाला, ये 2025 है बेटा, ये 2025 है। ये लोग भी ना कुछ कई बार गड़बड़ कर देते हैं, दिस इज 2025। तो जेई मेन एंड एडवांस 2025 के लिए रूल 1, 2, 3, 4, 5। चलिए सबसे पहले क्या है, सबसे पहले तो दिमाग में ये रखना है, 11th कई बच्चों की कई बार खराब जाती है। कुछ बच्चों ने इस बार जेई एडवांस्ड का, जेई मेन का एग्जाम दिया होगा, एग्जाम अच्छा नहीं हुआ होगा, क्वालिफाई नहीं किए होंगे, दिमाग में बहुत सारी उलझने चल रही होंगी कि क्या मैं क्वालिफाई कर पाऊंगा या मैं क्वालिफाई नहीं करूंगा। इन दोनों चीजों को एक तरफ रख दीजिए पूरी तरह से, एंड बिलीव इन योरसेल्फ, ठीक है ना। याद रखिएगा, ये एक रोलर कोस्टर राइड चलती है, कई बार आपका जो कॉन्फिडेंस है स्काई हाई रहेगा और कई बार आपका कॉन्फिडेंस हिलेगा भी सही। अगर हमेशा एक जैसा चलेगा तो उसमें मजा भी नहीं है और वो फायदेमंद भी नहीं होता है। तो यहां पर बात करेंगे, सबसे पहले बिलीव दैट यू कैन। आप सबसे पहले ये कॉन्फिडेंस लेवल अपने अंदर लेके आइए, और कॉन्फिडेंस कोई मार्केट से तो मिलता नहीं है, कॉन्फिडेंस तो बच्चों आपको पढ़ाई करने से ही आएगा। वो कैसे करनी है पढ़ाई, उसके बारे में भी बात करेंगे। बट याद रखना है, सबसे पहले यू हैव टू हैव फुल फेथ इन योरसेल्फ, बिलीव दैट यू कैन। सबसे पहले तो ये सोच लो कि आप 99.9% वाला मटेरियल हो। सुबह उठते ही सबसे पहले अपने आपके साथ ये बोलिए, यस आई कैन। तो आप देखिएगा आपका दिन भी अच्छा जाएगा और अपने आप को फील, है ना, कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड। और सेल्फ मोटिवेशन सबसे जरूरी होता है, इनर मोटिवेशन उससे भी ज्यादा जरूरी है। तो आगे बढ़ जाते हैं, अब तैयारी क्या होनी चाहिए। सबसे पहले यहां पर देखो, गेट कमिटेड टू योरसेल्फ। आप अपने साथ एक कमिटमेंट कर लें कि यार अगले 6 महीने में मैंने दोस्ती, रिश्तेदारी, ये दुनियादारी, ये सब शादी पार्टी और ये सब फालतू के झंझटों से अपने आप को मुक्त कर लेना है 6 महीने के लिए। तो लोगों को मालूम भी नहीं होना चाहिए कि आप एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है ना, आपके पेरेंट्स के अलावा, आपके सिबलिंग्स के अलावा। बाकी लोगों को तो ज्यादा मालूम भी नहीं होना चाहिए आपके बारे में, आप कितना पढ़ते हैं, आप कैसे पढ़ते हैं, ये बताने की भी किसी को जरूरत नहीं है। नोबडी विल बी हैप्पी फॉर यू एक्सेप्ट योर पेरेंट्स और जो आपके ब्लड रिलेशन में है उनको छोड़कर। आगे बढ़ जाते हैं, बी कॉन्फिडेंट। आप याद रखिएगा, भले ही आपके अभी फिलहाल 60% ही आए हों,
तो भी आप 99.99% तक जा सकते हो, इट इज 100% पॉसिबल, ये पॉसिबल है। बस आपने एक बात याद रखनी है, एक स्ट्रेटेजिक वे में तैयारी कीजिए, जो गलतियां आपने पहले की हैं वो नहीं करना है, इसे फॉलो कर लेना बस आप 9 रूल्स को। नेक्स्ट पे आ जाइए, सेट द राइट टारगेट। राइट टारगेट का मतलब ये है कि एक सर्टेन बुक सर्टेन पैकेजेस आप फॉलो करें और एक राइट टारगेट करें कि मुझे डेली इतने क्वेश्चन सॉल्व करके ही सोना है, टाइम देखकर नहीं पढ़ना है। आपके अगर 6 घंटे में हो जाते हैं वो क्वेश्चन, 6 घंटे आपके लिए सफिशिएंट है, फिर खेलो क्रिकेट या फिर अपना आराम से बैठ के कुछ और प्लान करो, या फिर अगर आपके 10 घंटे में होता है तो 10 घंटे के बाद आपने करना है। मतलब यहाँ पर कई बार बच्चे मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर मैं कितने घंटे पढ़ूं, तो मैं उन्हें बोलता हूँ बेटा ये तो एक हाईली सब्जेक्टिव चीज़ है, कितने घंटे पढ़ूं ये डिपेंड करता है। कुछ 6 घंटे में 10 घंटे की आउटपुट देते हैं और कुछ 12 घंटे में 10 घंटे की आउटपुट देते हैं या 8 ही घंटे की आउटपुट देते हैं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड है। बट सेट योर टारगेट, कम से कम 50 क्वेश्चंस पर डे का टारगेट आप रखिए, डे पर सब्जेक्ट, पर सब्जेक्ट का आप टारगेट जरूर रखें, ये तो आपका टारगेट होना ही चाहिए। 150 क्वेश्चन डेली जब करना शुरू करोगे दिमाग घोड़े की तरह दौड़ना शुरू करेगा, भले ही आप क्वेश्चंस किसी मतलब मीडियोकर क्वालिटी के कर रहे हैं, एवरेज तो बिलो एवरेज तो मत करना, अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। नेक्स्ट पे ये हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, बी फोकस्ड एंड स्ट्रक्चर्ड। फोकस्ड का मतलब क्या होता है, फोकस्ड का मतलब आप याद रखिएगा, पास्ट आपके हाथ में है नहीं, फ्यूचर आपने देखा नहीं है, प्रेजेंट अगर आप अच्छे से मेहनत कर रहे हैं तो इट गारंटीज कि आपका फ्यूचर अच्छा होगा, तो फोकस्ड रहना है आपने, पुरानी चीजों को भूल जाइए, व्हाट हैपेंड हैपेंड उसको भूल जाना है आपने, यू कैन नॉट चेंज दैट, बीइंग पास्ट इट डजंट सॉल्व एनी पर्पस। तो अभी से आप फोकस्ड हो जाइए, 99% आपने लेकर आना ही है, या सीधे टारगेट कर सकते हो आपके, यार मुझे तो 250+ मार्क्स लाने हैं जेई मेन में, इतने मार्क्स लेके आने हैं, तो आप कैसे लाएंगे, वंस यू स्टार्ट वॉकिंग द वे अपीयर्स, एक बार आप शुरू कर देंगे, बिगनिंग इज टफेस्ट बच्चों, उसके बाद तो चीजें अपने आप अलाइन हो जाती हैं। नेक्स्ट की तरफ मूव करेंगे, चेक प्रीवियस ईयर पेपर, यहां से स्टार्ट कीजिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप PYQs चेक करें, और प्रीवियस ईयर पेपर में बहुत ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है आपको, आप पिछले 10 सालों के चेक कर लीजिए, मतलब 2015 से 2024 के सारे पेपर आप डाउनलोड करके रखिए, या पिछले 10 सालों के पेपर ही आपने सॉल्व करने हैं, इसके अलावा कोई भी सॉल्व नहीं करना है, 10 इयर्स ओनली। ये अच्छे से चेक कीजिए किस टाइप का क्वेश्चन आता है, किस टाइप का डेटा इंटरप्रिटेशन आता है, लेंथी क्वेश्चंस कितने आते हैं मैथ्स में, इजिली डुएबल क्वेश्चंस कितने आते हैं, इसके साथ साथ आपके दिमाग में एक प्लान बनना शुरू हो जाएगा कि मैथ्स को कैसे अप्रोच करना है, केमिस्ट्री को कैसे अप्रोच करना है और फिजिक्स को कैसे अप्रोच करना है। नेक्स्ट में आ जाइए, अब तो और भी इजी हो गया है क्योंकि 6-7 चैप्टर्स हट चुके हैं, तो प्रीवियस ईयर्स में से उनको करने का कोई मतलब नहीं बनेगा। नेक्स्ट पे आ जाएंगे, चेक प्रीवियस ईयर पेपर्स, और याद रखिएगा प्रीवियस ईयर पेपर जब आप चेक कर रहे हो तो स्ट्रिक्टली न्यू सिलेबस के हिसाब से पढ़िएगा, न्यू सिलेबस के हिसाब से पढ़ना है आपने, न्यू सिलेबस के हिसाब से आपने पढ़ना है। प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन पेपर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी आपको बता देता हूं, ध्यान से देखिएगा, दे विल हेल्प यू एनालाइज द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द टॉपिक्स एंड वेटेज इन द एग्जाम इन पास्ट ईयर्स, यानी किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस ऑन एन एवरेज आपको पूछे जाते हैं। अगर केमिकल बॉन्डिंग है 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है तो 2 क्वेश्चन पक्का आ रहे हैं, अगर आपका नॉमेनक्लेचर है तो कभी एक आता है कभी नहीं आता है, तो ये आपको कब पता चलेगा, यू विल बी एबल टू फिगर इट आउट जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट पे आ जाइएगा, आगे टॉपिक्स विच हैव बीन कवर्ड इन द पास्ट ईयर्स मस्ट बी थॉरली स्टडीड। याद रखिएगा जो टॉपिक रेगुलरली पूछे जा रहे हैं, जैसे केमिकल बॉन्डिंग हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, जैसे इक्विलिब्रियम हो गया, जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हो गया, ये सारे टॉपिक, जैसे क्वालिटेटिव एनालिसिस अब आना शुरू हो गया है, ये सारे टॉपिक आपको बहुत थॉरली पढ़ने हैं, अच्छे से थॉरली पढ़ने पड़ेंगे। याद रखिएगा सॉल्विंग जेई पेपर्स विल हेल्प यू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दैट हैड बीन रेगुलरली आस्क्ड इन PYQs प्रीवियस ईयर्स, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में आए हैं उनसे आपको एक आइडिया हो जाएगा, मोटे मोटे तौर पे एक पता चल जाएगा कि इस टाइप का पेपर जेई मेन में आता है, उससे 10% इधर या 10% उधर, यही रहता है पेपर, कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं देखने को मिलता है। नेक्स्ट पे याद रखिएगा, बच्चे क्या कर रहे होते हैं कई बार, वो यूनिवर्सल सेल्फ स्कोरर यूज कर रहे होते हैं, तो बच्चों याद रखिएगा
आपने 200, सर मैंने 200 क्वेश्चन किए थे लेकिन मेरा फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। बेटा याद रखना है, क्वांटिटी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वालिटी इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्वालिटी पे फोकस नहीं कर रहे हैं तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। ऐसे ही अल्लम गल्लम अनशंट क्वेश्चन सॉल्व करने से बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं होता है। तो कैसे करना है आपने, सबसे पहले आपने याद रखना है, हर क्वेश्चन को सफिशियंट टाइम देना है आपने। और याद रखना है केमिस्ट्री में भी 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें आपको 1 मिनट से ज्यादा देना पड़ेगा। मैथ्स में कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें आपको 2 मिनट से ज्यादा देना पड़ेगा। तो आपको अपनी स्ट्राइक रेट भी मेंटेन करनी है। तो गिव सफिशियंट टाइम टू ईच सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट को आप सफिशियंट टाइम दीजिए। और ये बराबर देने की जरूरत नहीं है। कई बार लोग कह देते हैं कि 4 घंटे फिजिक्स पढ़ो, 4 घंटे केमिस्ट्री पढ़ो, 4 घंटे मैथ्स पढ़ो। मैं बोलता हूं अगर 12 घंटे पढ़ सकते हो तो 6 घंटे मैथ्स पढ़ो। जेई मेन के पिछले पेपर उठा के देखो, समझ में आ जाएगा मैं क्यों बोल रहा हूं। 6 घंटे केमिस्ट्री फिजिक्स काफी है, 6 घंटे मैथ्स करोगे तो काफी है। मतलब 10 घंटे अगर आपके पास टाइम है तो आधा टाइम मैथ्स के लिए निकालिए, क्योंकि पेपर डिफिकल्ट आता है, डिफिकल्ट नहीं लेंथी आता है। तो लेंथी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होना बड़ा जरूरी है। नेक्स्ट में डू देम ऑन योर ओन, अपने आप से सॉल्व करने की कोशिश करें ताकि आपका एक अंडरस्टैंडिंग, सॉल्यूशंस के पीछे मत भागिए, कोशिश कीजिए क्वेश्चंस को अपने आप से सॉल्व करें ताकि आपको आइडिया हो। कई बार हम क्या करते हैं, जैसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ उसका सॉल्यूशन देखना शुरू कर देते हैं, उसका आंसर देखना शुरू कर देते हैं, इट गिव्स यू फेक कॉन्फिडेंस। लास्ट में आ जाइए, डू नॉट रश टू द सॉल्यूशंस, ये बात याद रखनी है। सॉल्यूशन देखना इज अ स्लो पॉइजन, इट विल किल यू और पता भी नहीं चलेगा आपको। तो सॉल्यूशंस मत देखिए, गूगल मत कीजिए, ये कसम ले लीजिए कि यार मुझे तो कसम है मैं किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं देखूंगा, सॉल्व नहीं होता है तो टीचर से बात करूंगा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, अब देखिएगा टाइम मैनेजमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और टाइम मैनेजमेंट दोनों जगह काम आएगी, पेपर से पहले भी और पेपर के टाइम पे भी। अगर आपने पेपर के टाइम पे टाइम मैनेजमेंट नहीं ली तो पेपर के पहले के टाइम मैनेजमेंट का कोई मतलब नहीं है। और अगर पेपर के पहले टाइम मैनेजमेंट आपने फॉलो नहीं की तो पेपर के अंदर तो क्या ही करोगे फिर। तो यहां पर देखिएगा टाइम मैनेजमेंट में याद रखना है, ये बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम है। मैनी स्टूडेंट्स फेस प्रॉब्लम ड्यूरिंग द एग्जाम ड्यू टू पुअर टाइम मैनेजमेंट। वो क्या करते हैं, मैथ्स में ज्यादा टाइम लगा दिया, फिजिक्स केमिस्ट्री के ड्यूएबल क्वेश्चन पढ़ भी नहीं पाए, क्वेश्चन सॉल्व करना तो बहुत दूर की बात है। नहीं, याद रखना है जो टाइम आपने डिसाइड किया है मॉक टेस्ट में, जितने टाइम आप दे रहे हो बस उसको फॉलो करते जाइए। द एग्जाम इज फिक्स्ड ड्यूरेशन, एग्जाम इज ऑफ फिक्स्ड ड्यूरेशन, बट द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द क्वेश्चंस मे वेरी। डिफिकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चन क्या होगा, एक का बहुत कम होगा तो जल्दी से सॉल्व करो, एक का बहुत ज्यादा है तो उसको भी क्विकली सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, बट एक्यूरेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ जाते हैं, इट इज दस एडवाइज्ड दैट स्टूडेंट्स शुड सॉल्व क्वेश्चंस, यहां पे याद रखिएगा कॉन्शियसली, आगे बढ़ते हुए विद असाइनिंग द प्रॉपर टाइम टू एवरी सब्जेक्ट। याद रखना है जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हो, क्वेश्चंस नहीं, क्वेश्चन जब आप सॉल्व कर रहे हो तो टाइम मैनेजमेंट आप देख सकते हो अपनी अपनी, कि मुझे 5 घंटे मैथ्स के लिए देने हैं और 5 घंटे फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए देने हैं डेली बेसिस पे। लेकिन जब मॉक टेस्ट दे रहे हो तो फिक्स कर लो 50 मिनट से ज्यादा केमिस्ट्री को नहीं देने हैं, फिक्स कर लो 1 घंटे से ज्यादा फिजिक्स को नहीं देने हैं, और उसके बाद का बचा टाइम लगभग 70 मिनट्स बचते हैं वो आपने मैथ्स को देना है। मैथ्स में 1 घंटे से ज्यादा टाइम लगता है ये मान के चलिएगा। आगे बढ़ जाएंगे, एनी क्वेश्चन विच इज टेकिंग लॉन्गर टाइम देन द नीडेड शुड बी ड्रॉप्ड इमीडिएटली विदाउट गेटिंग इमोशनल। बिना इमोशनल हुए क्वेश्चन को वहीं का वहीं छोड़ दो, बाद में टाइम बचा तो करेंगे वरना ये 2-3 क्वेश्चन का टाइम खा जाएगा। एक क्वेश्चन से आपको 4 नंबर मिलने हैं, चाहे आप उसे सॉल्व करो, चाहे आप उसे 1 मिनट में सॉल्व करो या 10 मिनट में सॉल्व करो, लेकिन अगर 10 मिनट में सॉल्व किया तो वो कम से कम 7-8 क्वेश्चन का टाइम खा जाएगा। तो आप सोचो 32 यानी 32 मार्क्स अच्छे थे या 4 नंबर अच्छे थे। तो डोंट बी एन इमोशनल फूल, कोशिश करें कि कोई क्वेश्चन अगर आपसे नहीं हो रहा है या लेंथी लग रहा है स्किप मारो, बाद में देखो, यानी नॉन इमोशनल रेस्पॉन्स देना है क्वेश्चन को। आगे बढ़ते हुए यहां पर देखो, रिवाइज एनसीईआरटी एंड इंपोर्टेंट टॉपिक्स रेगुलरली। एनसीईआरटी इज द की, एनसीईआरटी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आप कर लेते हो, इनऑर्गेनिक अगर आप कर लेते हो तो आपको फिजिकल एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज कर लेते हो, जे मेन का कोई क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, लिख के ले लो आप ये बात। कोई एक आध कोई आ जाए एक्सेप्शनल, बाकी नहीं आएगा। 99.9% शोरूम है कि जे मेन का पेपर आपका
केमिस्ट्री में कम से कम एनसीईआरटी से आता है, मैथ्स में आपको थोड़ा बाहर से पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए रेकमेंडेड बुक्स में बता चुका हूं आपको। नेक्स्ट में आ जाते हैं, याद रखना है सेट रियलिस्टिक टारगेट्स। ऐसा नहीं करें कि 18 घंटे पढ़ूंगा सर मैं, दो दिन 18 घंटे पढ़ा, तीसरे दिन ऊंट की तरह फैल के लेट गए, कोई फायदा नहीं उसका। याद रखना है रियलिस्टिक टारगेट रखिए कि मैंने, आप शुरुआत में अगर आपने अभी पढ़ने की आदत नहीं है तो 50 क्वेश्चन पर डे का टारगेट मत रखो, आप शुरुआत में टारगेट रखिए कि मुझे सिर्फ 30 क्वेश्चन एक सब्जेक्ट के पर डे करने हैं, धीरे धीरे उसे 35 पे ले जाइए, फिर 40 पे, फिर 50 पे, 50 इज सफिशिएंट, दैट इज द अपर थ्रेशहोल्ड। आगे बढ़ जाते हैं, तो रियलिस्टिक टारगेट रखिए कि 8 से 10 घंटे डेली पढ़ाई मैंने करनी है। याद रखिएगा सॉल्व ओनली 50 क्वालिटी क्वेश्चंस, 50 क्वालिटी क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व करते हो डेली, कवरिंग ऑल द कॉन्सेप्ट्स पर डे, यू विल बी थ्रू। याद रखिएगा यू विल बी थ्रू। अगर आप 50 क्वेश्चन पर डे सॉल्व कर लेते हो, आपको किसी भी सपोर्ट की, सपोर्ट सिस्टम की जरूरत ज्यादा नहीं पड़ेगी, यू विल डेफिनेटली क्वालिफाई विद फ्लाइंग कलर्स फॉर श्योर, ये बात याद रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट में, 2 मॉक टेस्ट पर मंथ, ये एसेंशियल है, दिस इज मस्ट। याद रखिएगा, अगर आपने, याद रखना है बच्चों, टेस्टिंग इज सुपर इंपॉर्टेंट, टेस्टिंग इज सुपर इंपॉर्टेंट, ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि टेस्टिंग सुपर इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप टेस्ट ही नहीं कर रहे हैं कि एग्जाम के टाइम पे आप कैसे बिहेव करते हो, आप नर्वस किस सेगमेंट में होते हो, आप कंफर्टेबल किस सेगमेंट में हो, तो आप ओरिजिनल पेपर को डिसाइड ही नहीं कर पाओगे, ओरिजिनल पेपर के लिए प्लानिंग ही नहीं कर पाओगे आप। तो अगर आप टेस्ट देते हैं तो आपको थोड़ा फायदा इसका जरूर मिलेगा। नेक्स्ट पे आते हैं, वीकली नहीं लेकिन मंथली आपको 2 मॉक टेस्ट जरूर देने हैं, यानी अगले 6 महीने में कम से कम 12 मॉक टेस्ट आपको जरूर देने हैं, तो ये याद रखिएगा, और वो भी 3-3 घंटे वाले। अब बात करेंगे रिवाइज, बच्चे का सबसे एक और बड़ी प्रॉब्लम है कि 99% ऑफ द स्टूडेंट्स डू नॉट हैव रिवीजन प्लान, प्रॉपर रिवीजन प्लान, एंड दैट इज व्हाई दे फेल इन एग्जाम्स लाइक जेई एडवांस्ड और जेई मेन। तो याद रखना हैव अ फिक्स्ड रिवीजन प्लान, ये आपके लिए रिवीजन प्लान ये आपके लिए बहुत जरूरी है, दिस इज मस्ट, ये मस्ट है बच्चों, याद रखिएगा, Having it is must. मतलब आपका revision plan fixed है बिल्कुल, कि मुझे daily 1.5 से 2 घंटा revise करना है। क्या revise करना है ये ongoing syllabus के हिसाब से आप decide करो, लेकिन daily मुझे 1 से 1.5 घंटा revise करना है practice के अलावा, coachings के, जो coaching के आपकी classes चल रही हैं उसके अलावा, जो आप question solve कर रहे हो उसके अलावा। revision का मतलब है जो topic आपको लगता है कि ये important है, उनका formula कौन कौन से आते हैं, क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, नहीं, उसकी थ्योरी एक बार आपने पढ़ी, रिवाइज किया प्रॉपरली, तो रिवीजन प्लान आपका डेली का होना चाहिए, क्वेश्चन की फॉर्म में भी आप रिवाइज कर सकते हो। अब याद रखिएगा बाय द एंड ऑफ द डे, बहुत सारे बच्चों के एक बार टेस्ट में आ गए 180 नंबर, दूसरे टेस्ट में जैसे ही 100 नंबर आते हैं उनके कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ जाती हैं, ये बहुत सारे बच्चों के साथ मैंने देखा है। अरे यार, जो गिर के उठ नहीं सकता वो फिर, और उठ के गिर नहीं सकता, इसका मतलब वो लाइफ में कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि याद रखना है जब आप गिरोगे तो उठोगे भी, और जब आप उठोगे तो गिरना भी लाजमी है, रोलर कोस्टर राइड चलेगी है, याद रखना है अप डाउन आते ही रहेंगे, जेई के बाद भी और उसके बाद भी, जब आप जॉब में होंगे तब भी। तो आपने याद रखना है कि ये आई कैंट डू इट को आपने आई कैन डू इट कर लेना है, इसे बीच में से उड़ा दीजिए, ये तो आपको नजर ही नहीं आना चाहिए। याद रखना है डोंट गेट डीमोटिवेटेड बिकॉज ऑफ योर लो स्कोर्स इन टेस्ट्स, टेस्ट्स में आपके लो स्कोर आ रहे हैं तो डीमोटिवेटेड नहीं, ये एनालिसिस का काम है, एनालाइज कीजिए क्यों आ रहे हैं, उस पर काम कीजिए, टीचर से शेयर कीजिए, एंड यू विल डेफिनेटली इंप्रूव इन द नेक्स्ट टेस्ट। अगर एक टेस्ट में इंप्रूव नहीं करते हो उसके अगले में ट्राई करो, बट करते रहो ट्राई। आगे बढ़ते हुए याद रखना है पेशेंस इज द की, पेशेंस इज द की, धीरे धीरे रे में ना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। तो कई बार क्या होता है, आपको ये बात भी पता होनी चाहिए कि कई बार अप्रोच आपकी ऐसी होनी चाहिए कि कई बार अगर मार्क्स कम भी आ रहे हैं तो भी आप एफर्ट लगाते रहें, उसके बावजूद भी आप एफर्ट करते रहें, तो ये आपके लिए पेशेंस विल बी द की, लेकिन एफर्ट करते रहना है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी आप प्रेस कर लीजिए। अगले 6 महीने के लिए किसी भी कोर्स में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो हमारी एडमिशन हेल्पलाइन 9116300300 पे कॉल करके आप हमसे बात कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।